हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट द नेक्स्ट टुडेज फिजिक्स चैलेंजर 5 टारगेट जेई एंड नीट। सो जल्दी से मैं क्वेश्चंस डिक्टेट कर देता हूँ एंड रिक्वेस्टिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट ऑनेस्टली एफर्ट लगाओ, ट्राई करो कि विद इन 1 मिनट हो जाए। उसके बाद नहीं होता है तो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस मैं भी अवेलेबल करा देता हूँ, ग्रुप पे भी सॉल्यूशंस आ जाते हैं, मैं डाल देता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू इनफाइनाइट प्लेन्स ईच विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा आर केप्ट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 30 डिग्री। एक प्लेन ये है, प्लेट ये है, दूसरी जो प्लेन है वो ये है, एंगल बिटवीन देम 30 डिग्री, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम, प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा। ध्यान रखिए इसमें ये लेना है एक्स एक्सिस और इधर लेना है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस प्लेन के अंदर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम इज गिवन बाई, इन दोनों के बीच में यहाँ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट 1+√3 जे कैप -1/2 i कैप। सेकंड ऑप्शन इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1-√3 डिवाइडेड बाय 2 जे कैप -1/2 i कैप। थर्ड ऑप्शन इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1+√3 जे कैप +1/2 i कैप। फोर्थ ऑप्शन इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1+√3/2 जे कैप +1/2 i कैप। ध्यान रखें एक एक पॉइंट को अच्छे से सॉल्व करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी है, बहुत आसान है, ट्रिकी है, ध्यान से रिप्लाई करेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जेई के। सेकंड क्वेश्चन, द करंट i1 फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज व्हाट। देर आर रजिस्टर शोन 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 1 वोल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, 1 वोल्ट की बैटरी है। तो इस 1 ओम रजिस्टेंस में, इस रजिस्टेंस 1 ओम में कितना करेंट फ्लो करेगा, दैट इज नेम्ड i1, इसकी वैल्यू बतानी है। वेरी इजी क्वेश्चन, बस खेल सारा है टाइमिंग्स का, जितना जल्दी रिप्लाई करेंगे दैट इज द बेस्ट। ऑप्शंस आर 0.2 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर एंड 0.25 एम्पियर। लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इट इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वेरीज एज के एक्स इक्वल टू के इंटू 1+α x, मतलब के एक्स के साथ वेरी कर रहा है, वेर एक्स इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स। होप यू कैन इमेजिन द डायग्राम। इफ एल्फा डी कंडीशन गिवन है मच लेस देन 1, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट गिवन बाई फर्स्ट ऑप्शन ए एप्सिलन नॉट के बाई डी इंटू 1+α² d² / 2, सेकेंड ए के एप्सिल नॉट बाई डी इंटू 1+α d/2, थर्ड इज ए एप्सिल नॉट के बाई डी इंटू 1+α d/2 का होल स्क्वायर एंड फोर्थ इज ए के एप्सिल नॉट बाई डी इंटू 1+α d। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ 60 pF कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड बाय 20 वोल्ट सप्लाई, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनादर अनचार्ज्ड 60 pF सेम है कैपेसिटर इन पैरेलल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस बाय द टाइम द चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम इन नैनोजूल, नैनोजूल में आंसर देना है, और जब वो कनेक्ट होंगे चार्ज फ्लो करेगा, कॉमन पोटेंशियल गेन करेंगे, कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी, नैनोजूल में आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 6, सेकंड इज 12, थर्ड इज 3 एंड फोर्थ इज 10 नैनोजूल। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 इज 10 μF इन पैरेलल when these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt, the energy stored in capacitor C2 is 4 times that of C1. Hope you are getting the language. If these capacitors are connected in series, their effective capacitance will be what? 4.2 μF, second is 8.4 μF, third is 3.2 μF and fourth is 1.6 μF. It's just a way कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा questions आप लोगों के साथ share करूँ, जो fresh questions जेई मेन्स में नीट में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपसे रेगुलरली मैं शेयर कर रहा हूँ, एक्सपेक्टिंग कि ईमानदारी से रिप्लाई करेंगे एंड
सॉल्यूशन के साथ मुझे आंसर चाहिए, रिप्लाई सून विद सॉल्यूशंस, जितना जल्दी रिप्लाई करेंगे दैट इज़ बेस्ट, एंड ऑनेस्टली जो भी आप करेंगे उसी का फ़ायदा एग्जाम में मिलेगा। सो फर्स्ट शुड बी, वी शुड बी ऑनेस्ट। आज इतना ही, इसमें 5 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। थैंक यू।